ज्येष्ठ राजपूत फोरम नागपुर की ओर से महाराणा प्रताप स्मृति मंदिर सभागृह में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी पारिवारिक स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम लिया गया था। इस मौके पर ज्येष्ठ राजपूत फोरम स्मरणी का विमोचन किया गया। ज्येष्ठ राजपूत फोरम नागपुर की स्थापना 21 नवंबर 2001 में हुई है। इस फोरम के माध्यम से सामाजिक, शिक्षा, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और क्रीड़ा जैसे कार्यक्रम समाज के लोगों के लिए लिए जाते हैं। पारिवारिक स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा को मालार्पण कर किया गया। इस मौके पर प्रमुख अतिथियों को शॉल और फूलों से स्वागत किया गया। स्मरणी में समाज के लोग लेख लिखते हैं। इस लेख के माध्यम से समाज में जन जागृति करना होता है। स्मरणी की गरिमा बढ़ाने के लिए समाज की महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़ कर काम करे हैं। समाज के जिन लोगों ने अच्छा काम किया है ऐसे व्यक्तियों का सम्मान किया गया। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनविजन की टीम ज्येष्ठ राजपूत फोरम इस नागपुर में यहाँ पे आई हुई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ज्येष्ठ राजपूत फोरम की ओर से पारिवारिक सम्मेलन लिया गया है। बड़े हर्षोल्लास के साथ आज का यह कार्यक्रम हुआ है। इस समय में हमारे साथ में हम बात करना चाहते हैं अशोक सारस्वत साहब, जो कि भूतपूर्व विधायक बालाघाट से इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए कि अपने आप में ये प्रोग्राम कितना बड़ा होता है? ये काफ़ी पुराने, करीब 30 वर्ष से यह संस्था काम कर रही है, और उसके पहले हमारे आर्य साहब थे, उनके अध्यक्षता में यह संस्था चल रही थी। इस संस्था के फाउंडर श्री शरेश चंद सिंह जी गहलोत थे, और जिन्होंने सफलतापूर्वक इन्होंने कार्य करते जा रहे हैं। पेरेंटियल संस्था महाराणा प्रताप संस्था है, जिसका ये भवन यहाँ आप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से ये सब संस्थाएं चल रही हैं और सभी सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। और हमारा प्रयास रहेगा, मैं अध्यक्ष हूँ महाराणा प्रताप का, और मेरा प्रयास रहेगा, हमारे कार्यकारिणी का प्रयास रहेगा, ये कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कोई भी संस्था आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होने पाए और सभी संस्थाएं तरीके से काम करते रहें, यही हमारी आशा है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को आपने संकलन किया है, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। बिल्कुल, आप थे भूतपूर्व विधायक जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात किया। इस समय में हमारे साथ में गहलोत साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। गहलोत साहब, ये बताइए इस प्रकार के जो प्रोग्राम जो हो रहे हैं इसका समाज को कितना फायदा हो रहा है? फायदा तो बहुत है। जो रिटायर होते हैं उनका निराशा हो जाती है उनको कि भाई क्या करें अब, लेकिन उस निराशा को दूर करने के लिए हमने स्थापना की है इसकी, और वो स्थापना के कारण ही उनके चेहरे पर चमक आ गई है, जीना सीख लिया है उन्होंने, रिटायर लोगों ने। धन्यवाद, यही उद्देश्य था जिसके कारण हम लोगों ने स्थापना की है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिले, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।